नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी जो ये वीडियो है ये बेसिकली मैंने सीए सीएस सीएमए स्टूडेंट्स के लिए बनाई है और मेरा पर्पस इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू फिनेंस एक्ट 2018 द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पर आपका ध्यान आकर्षित करना है एज अ सीए सीएस सीएमए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सर जो आगामी मई या जून अटेम्प्ट में या उसके बाद नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट में अपियर होंगे सीए लेवल पर, मे बी आईपीसीसी में फाइनल में, एसएसीएस में एग्जीक्यूटिव फाइनल में, इसी प्रकार से सीएमए फाइनल लेवल पर, उनके लिए इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और ये अमेंडमेंट उनके क्वेश्चन पेपर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्सेस में अमेंडमेंट से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ सर फिनेंस एक्ट 2018 द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस करने वन बाय वन एक एक स्लाइड से करने जा रहा हूं। थैंक यू। हमारा पहला जो अमेंडमेंट है सर, ये सेक्शन 2 क्लॉज 24 में जो एक सब क्लॉज 12 है उसके नीचे एक सब क्लॉज 12A और इंसर्ट किया गया है, इससे रिलेटेड है। बहुत सिंपल अमेंडमेंट है सर। बेसिकली क्या होता था, अब तक मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिल्डर हूं और मेरे पास में कोई एक मकान संपत्ति है जो मैंने बेचने के लिए रखी हुई है। मेरी इच्छा होगी कि चलिए मैं इसे बेचता नहीं हूं, मैं इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेता हूं, मैं मेरे खुद के रहने के पर्पजेस से इसे काम में लेता हूं। तो मान लीजिए 3 साल पहले मैंने वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी थी, आज उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.25 करोड़ है और मैं उस प्रॉपर्टी को आज की डेट में स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो फिनेंस एक्ट 2018 यानी असेसमेंट ईयर 2019-20 से पहले ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी कि मैं उस एसेट को जो कि मेरी इन्वेंट्री थी उसे कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करूं तो मुझे कोई कैपिटल गेन या मुझे कोई पीजीबीपी की इनकम का टैक्स देना पड़ेगा। अब सर सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था कर ली है कि यदि मैं अपनी ही इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करता हूं तो ऐसी परिस्थिति में जो फेयर मार्केट वैल्यू उस एसेट की जिसको मैं आज की डेट में कैपिटल एसेट बना रहा हूं वो पर्टिकुलर फेयर मार्केट वैल्यू पर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर 1.25 करोड़ मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई और मेरी लागत उसकी 1 करोड़ थी तो 25 लाख रुपए मेरी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी जो कि सेक्शन 28 क्लॉज 6A के अंदर टैक्सेबल होगी। तो सर ये एक अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट रूप से सेक्शन 2 क्लॉज 24 में सब क्लॉज 12A के रूप में लाया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट सर हमारे सामने है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में एक क्लॉज 17A के नीचे 17B और इंसर्ट किया गया है जो ये कहता है एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट रेफर टू इन क्लॉज 11 ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 शैल बी ट्रीटेड टू बी इनकम। तो क्वेश्चन ये आता है सर कि 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 11 में इनकम है क्या? तो ये कहा गया है कि एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव बाय एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर टू। मान लीजिए मेरे को किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से किसी प्रकार से मेरी किसी एम्प्लॉयमेंट की शर्तों में मॉडिफिकेशन का कोई पेमेंट मिलता है या मेरा कोई पर्टिकुलर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया जा रहा है। नाउ जरा ध्यान से समझिएगा सर, यदि ये टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रिलेशन टू ग्रेच्युटी है, इन रिलेशन टू प्रोविडेंट फंड है, इन रिलेशन टू सुपर एनुएशन फंड है, वीआरएस है, तो सर उसके लिए ऑलरेडी सैलरी हेड के अंदर टैक्सेशन डिटेल में अवेलेबल है, वो चीज यहां नहीं आएगी। लेकिन कुछ ऐसी भी पेमेंट हो सकते हैं जिनको के सेक्शन 15 रेड विद सेक्शन 17 टैक्स ना कर पाया हो तो उन्हें भी टैक्स करने के लिए 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 11 फिनेंस एक्ट 2018 ने इंसर्ट कर दिया और उसी के रिस्पेक्ट में सर सेक्शन 2 क्लॉज 24 इनकम की परिभाषा को व्यापक करने के लिए क्लॉज 17B लॉ में इंसर्ट कर दिया गया। सर ये अमेंडमेंट हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 42A से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज 42A शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन करता है। तो इन्होंने सर सेक्शन 2 क्लॉज 42A में जो एक एक्सप्लेनेशन 1 जो बताता है सर के किन्हीं विशेष परिस्थितियों में पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेशन में कौन कौन सा पीरियड शामिल किया जाएगा या कौन सा पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा उस पर चर्चा हो रही है। तो यहां पर ये व्यवस्था 28 क्लॉज 6 है जिसकी अभी मैंने आपसे चर्चा करी उसके संदर्भ में किया गया कि मैंने जो कहा कि सर मैंने कोई पर्टिकुलर एसेट खुद की स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करी तो कैपिटल एसेट के रूप में मान लीजिए मैंने कन्वर्ट करने के 1 साल बाद बेच दिया और उससे पहले वो स्टॉक इन ट्रेड में 3 साल रही
तो क्या मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग 4 साल रहेगा या केवल 1 साल रहेगा? तो यहाँ व्यवस्था आ गई सर के वो पीरियड ऑफ होल्डिंग केवल 1 साल रहेगा, तो इससे सर मुझे इंडेक्सेशन का भी नुकसान, और इंडेक्सेशन का नुकसान वाली यहाँ पर वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी 1 करोड़ की चीज जो 1.25 करोड़ हो गई थी, जब 1.25 तक के लेवल पर वो पीजीबीपी पर टैक्स हो गई, तो आगे ही तो टैक्सेबल होगी बाकी के अमाउंट, तो मुझे इंडेक्सेशन भी आगे के पीरियड के लिए ही मिलेगा। तो सर ये अमेंडमेंट आई होप आप ध्यान रख पाएंगे, थैंक यू। अगला अमेंडमेंट सर हमारे पास में है सेक्शन 10 क्लॉज 23C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से रिलेटेड। ये अमेंडमेंट की मैं एक हल्की सी भूमिका बांध देता हूं सर। आप सब जानते हैं कि जब हम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कमाते हैं तो किसी भी एसएससी को जो कि टैक्स ऑडिट के राडार पर है या टीडीएस कंप्लायंस पर है, उसको जनरली ये सुनिश्चित करना है कि उसने किसी भी रेजिडेंट को पेमेंट करते समय यदि चैप्टर 17B ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली टीडीएस काटना है तो उसने वो टीडीएस काटा है और काट के जमा भी कराया है। यदि किसी व्यक्ति ने टीडीएस काटा नहीं या काट के जमा नहीं कराया तो ऐसी परिस्थिति में उसे खर्चे का 30% डिडक्शन डिसअलाउ हो जाता है, पहली बात। इसी प्रकार से सर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 वो ये कहता है सर, यदि आपने कोई खर्चा नकद कर दिया 10,000 रुपए से ज्यादा का तो आपको वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। और सबसेक्शन 3A ये कहता है कि आपने पिछले किसी ईयर में तो सर एक्रुअल बेसिस पर खर्चा क्लेम कर लिया और आगे के ईयर में सर उस खर्चे को नकद भुगतान कर दिया, तो जिस ईयर में आपने खर्चे का भुगतान नकद किया आपको उस ईयर में टैक्स लायबिलिटी आएगी। नाउ लिसन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिस्कशन इन रिलेशन टू सेक्शन 10 क्लॉज 23C। आप मेरा इशारा तो समझ गए होंगे सर, लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं। अब तक सर सेक्शन 10 क्लॉज 23C की संस्थाएं जो कि एग्जम्पशन एंजॉय करती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, उनके लिए सर सेक्शन 40A सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A यानी टीडीएस कंप्लायंस जरूरत नहीं थी। यानी अगर वो टीडीएस कंप्लायंस नहीं भी करते थे तो भी उनको उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर का जिसको उन्होंने बिना टीडीएस के पेमेंट कर दिया है पूरा डिडक्शन मिल जाता था। इसी प्रकार से सर यदि वो पर्टिकुलर कैश खर्चा 10,000 से ज्यादा का भी कर देते थे तो भी वो पर्टिकुलर खर्चा उनका एप्लीकेशन मान लिया जाता था। परंतु अब सर एक प्रोविजो इंसर्ट हो गया 10 क्लॉज 23C में और वो उसने स्पष्ट व्यवस्था कर दी कि आप यदि 10 क्लॉज 23C की संस्था है तो आपको सर टीडीएस कंप्लायंस करनी पड़ेगी और आपको 40A3 और 3A भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट सर हमारे पास सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में एक एक्सप्लेनेशन 2 में, जैसा कि जो एक्सप्लेनेशन 2 इंसर्ट किया गया था सर, एक एक्सप्लेनेशन 3 उसके बियॉन्ड उसके बिलो लेकर के आए हैं। ये वैसा ही है जो मैंने अभी आपसे 10 क्लॉज 23C में डिस्कस किया और मैं समरी में ये कह सकता हूँ, यदि आप पब्लिक चैरिटेबल पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है, यदि ऐसे ट्रस्ट ने टीडीएस कंप्लायंस नहीं किया तो सर उसे सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A के अकॉर्डिंगली नॉन कंप्लायंस के जो भी परिणाम होते हैं भुगतने पड़ेंगे, यानी 30% का एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन फिर एप्लीकेशन के रूप में नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप चैरिटेबल एवं रिलीजियस संस्था है या रिलीजियस संस्था है या चैरिटेबल संस्था है और आपने कोई खर्चा नकद कर दिया 10,000 से ज्यादा का तो उसका भी आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम के रूप में डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है सर कि यदि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन के अंदर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन में बोल दिया कि साहब 5 लाख का खर्चा हुआ जिसमें 1 लाख नकद कर दिया, तो आप सर उस 1 लाख के नकद किए खर्चे का एप्लीकेशन नहीं लेंगे। ये बात आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखनी पड़ेगी। ये अमेंडमेंट सर बहुत सरल है, आप सबको पता है सर के फिनेंस एक्ट 2018 ने सैलरी पेड एम्प्लॉयज को स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपीज का दे दिया है, तो आपको यदि सैलरी कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। कुछ लोगों ने मेरे से क्वेरी पूछा सर कि क्या केवल जिसको कन्वेंस अलाउंस मिलता था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था, मेडिकल रिएम्बर्समेंट मिलता था, उन्हीं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन आया है? नहीं सर, अक्रॉस वॉट एवर इज यूर सैलरी, वॉट एवर काइंड ऑफ एम्प्लॉय यू आर, इफ यूर सैलरी इनकम इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यू आर एंटाइटल टू गेट अ स्टैंडर्ड डिडक्शन इक्वलेंट टू ₹40,000, नो डाउट। ये अमेंडमेंट सर सेक्शन 17 में जो क्लॉज 2 है उसके एक प्रोविजो में है ना, इन द प्रोविजो अकरिंग आफ्टर क्लॉज 8, ठीक है, यानी 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 8 में जो प्रोविजो में है
एक क्लॉज फिफ्थ उसको ऑमिट कर दिया। क्लॉज फिफ्थ क्या था सर? मेडिकल एक्सपेंडिचर का रिएम्बर्समेंट जो एग्जम्प्ट हुआ करता था उसको अब हटा लिया गया है, बिकॉज मैंने आपको लॉजिक दिया सर कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अब मिल रहा है, तो उस स्टैंडर्ड डिडक्शन की जगह है ना, अब क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तो आपको मेडिकल रिएम्बर्समेंट उड़ा दिया और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी डिडक्शन अब उड़ा दिया गया है। थैंक यू सर। अगला अमेंडमेंट सर, सेक्शन 28 में जो क्लॉज 2 है सर, उसमें एक सब क्लॉज डी इंसर्ट किया गया है। देखिए बेसिक मैं यहां पर एक बात रखना चाहूंगा, सेक्शन 28 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द पीजीबीपी और उसके कुछ क्लॉजेज हैं सर, क्लॉज 1 से शुरू होकर के क्लॉज 7 तक जा रहे हैं, वो ये बताते हैं कि कौन कौन सी इनकम बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। मैं यहां पर एक बात और रखता हूं सर आपके सामने कि हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है, रेवेन्यू नेचर रिसीट ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर अनलेस मेड एग्जम्प्ट, वेयर एज कैपिटल नेचर रिसीट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज एग्जम्प्ट अनलेस स्पेसिफिकली मेड टैक्सेबल। अब सेक्शन 28 क्लॉज 2 यदि आप देखेंगे तो वो वेरियस प्रोपोजिशन को डील करता है जिसमें एजेंसी टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन एक महत्वपूर्ण क्लॉज है कि मान लीजिए मेरे पास में एक ऑल इंडिया एजेंसी है और अब कंपनी कहती है कि नहीं भटिया जी, आपकी एजेंसी अब हम केवल 3 स्टेट तक कर देंगे, बाकी स्टेट की एजेंसी हम आपसे वापस ले रहे हैं, तो जो पेमेंट मेरे पास में आएगा सर बाकी के स्टेट्स की एजेंसी वापस लेने का, यानी मेरे राइट कर्टेल हो रहे हैं, इट इज अ कैपिटल नेचर पेमेंट। लेकिन फिर भी सर क्योंकि फिक्शन है सेक्शन 28 क्लॉज 2 में, इसलिए वो इनकम पीजीबीपी इनकम बन जा रही थी। इसी प्रकार से एक और स्पष्ट क्लॉज की सरकार को आवश्यकता बनी तो 28 क्लॉज 2 में एक सब क्लॉज ही इंसर्ट कर दिया और यह कह दिया एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू हिज बिजनेस। मान लीजिए मैं रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर हूं और रेलवे ने सर मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया, मैंने बोला सर ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा 3 साल का था, आप ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे से पहले कैसे वापस ले सकते हैं, तो यदि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझसे वापस ले रहे हैं और इसके लिए कोई कंपनसेशन मुझे दे रहे हैं तो दैट कंपनसेशन इज बिजनेस इनकम डिस्पाइट इट इज अ कैपिटल नेचर रिसीव। तो यदि ऐसा कोई ट्रीटमेंट आपको पीजीबीपी के किसी क्वेश्चन में आए तो अब आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सर सेक्शन 28 क्लॉज 6 ए का और इंसर्शन किया गया जिसकी चर्चा मैं पहले ही सेक्शन 2 क्लॉज 24 में कर चुका हूं कि यदि आपने अपनी इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया है तो ऐसी परिस्थिति में इन्वेंट्री की वैल्यू में आज तक का जो डिफरेंस आया है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है सर, हो सकता है इन्वेंट्री की वैल्यू में गिरावट आई हो तो क्या मैं बिजनेस लॉस क्लेम कर सकता हूँ? मेरी ओपिनियन में सर जब आपको इनकम बन सकती है तो लॉस भी हो सकता है और ऐसी परिस्थिति में आप बिजनेस लॉस दिखाते हुए वहां पर एक लॉस भी क्लेम कर सकते हैं। देखिए सर ये जो डिस्कशन है हमारे पास में कि सेक्शन 36 में सबसेक्शन 1 में एक क्लॉज 18 इंसर्ट किया गया जो ये कहता है मार्क टू मार्केट लॉसेस और अदर एक्सपेक्टेड लॉस एज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद आईसीडीएस नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 145 इसका डिडक्शन मिलेगा। मार्क टू मार्केट की आवश्यकता कब पड़ती है जरा इस बात को समझिए सर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आई एम अ कंपनी हु इज अ ब्रोकर एंड This broker is also dealing into securities as a stock in trade. और 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर मैं कुछ सिक्योरिटीज को मार्क टू मार्केट करता हूं क्योंकि उनकी जो लिस्टिंग प्राइस है उससे वो आज की डेट में गिर चुका है उनका वैल्यू। तो मैं ये जो मार्क टू मार्केट कर रहा हूं सर इसके लिए ICS 8 एप्लीकेबल होता है और इस मार्क टू मार्केट लॉस के संदर्भ में पहले लॉ में स्पष्ट प्रावधान नहीं था, परंतु यदि मैं सिक्योरिटीज का ट्रेडर हूं और ICDS 8 कहता है सर कि मैं उसको मार्क टू मार्केट कर सकता हूं तो ऐसी परिस्थिति में जो मार्क टू मार्केट मैं करूंगा उसका मेरे को डिडक्शन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 18 में मिलेगा। सो ये बात हमारे को ध्यान में रखनी है। पिछली स्लाइड के रेफरेंस में सर जहां मैंने आपको बोला कि 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 18 में हमारे को मार्क टू मार्केट लॉस का डिडक्शन मिलेगा, उसी प्रकार से सेक्शन 40A में आफ्टर सबसेक्शन 12 एक सबसेक्शन 13 इंसर्ट कर दिया। वो ये कह रहा है सर नो डिडक्शन और अलाउंस शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मार्क टू मार्केट लॉसेस और अदर एक्सपेक्टेड लॉस एक्सेप्ट एज अलाउबल अंडर सेक्शन 36(1)(18)। इसका महत्व क्या है सर? पिछले एग्जाम्पल में पिछली स्लाइड में जो मैंने एग्जाम्पल दिया मैंने बोला आई एम अ स्टॉक ब्रोकर कंपनी एंड सर्टेन शेयर्स हैव अ value fall due to which I am doing them mark to market and I am booking certain losses। मान लीजिए मैं शेयर ब्रोकर नहीं हूं और मैं सिक्योरिटीज को स्टॉक नहीं हेल्ड करता,
लेकिन फिर भी सर मेरी भी सिक्योरिटीज जो होल्ड की हुई है उनकी भी वैल्यू के अंदर तो गिरावट आ सकती है। तो सर वो मार्क टू मार्केट लॉस यदि मैं बुक करूंगा तो उसके लिए मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, इस बात के लिए सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 इंसर्ट हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है सर, यदि आप सिक्योरिटीज को स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड करते हैं तो मार्क टू मार्केट मिलेगा, नहीं तो मार्क टू मार्केट लॉस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात हमारे को इस प्रकार से ध्यान रखनी है। ये जो अमेंडमेंट है सर सेक्शन 43 क्लॉज 1 में एक एक्सप्लेनेशन 1 के नीचे सर एक्सप्लेनेशन 1A इंसर्ट किया गया है, तो आप इसे समझना सर कि ये क्या एक्सप्लेनेशन 1A है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बोलता हूं कि एज अ स्टूडेंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप डेप्रिशिएबल एसेट का डेप्रिशिएशन क्लेम करते हैं तो आपको एक एक्चुअल कॉस्ट की गणना करनी होती है। यू आर सपोज टू कंप्यूट द एक्चुअल कॉस्ट एंड दैट एक्चुअल कॉस्ट कंप्यूटेशन टेक्स मोस्ट ऑफ इट्स कलर फ्रॉम सेक्शन 43 क्लॉज 1 विच डिफाइंस द टर्म एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डेप्रिशिएशन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स। बहुत से एक्सप्लेनेशन हैं सर सेक्शन 43 क्लॉज 1 में, इसी में एक नया एक्सप्लेनेशन 1A जोड़ा गया है जो कि बड़ा लाजमी था कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कोई एसेट स्टॉक इन ट्रेड है, लेट्स अज्यूम आई एम अ ब्रिक डीलर, मैं ईंटें बनाता हूँ और ईंटें बेचता हूँ, और मेरी खुद की एक शॉप कंस्ट्रक्ट हो रही है जिसमें मैं ईंटों का कंजम्पशन करूंगा। तो सबसे पहले सेक्शन 28 क्लॉज 5A लगेगा, 6A लगेगा, वो ये कहता है सर कि मैंने जो ब्रिक्स बनाई उसकी कॉस्ट मान लीजिए मेरे को थी ₹2 पर ब्रिक, और मैंने उसको जिस दिन अपनी कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैं शॉप में उसको लगा रहा हूँ सर तो वो कैपिटल एसेट में जुड़ गई वो ब्रिक, और उस दिन मैं नॉर्मली ब्रिक्स ₹2.5 पर बेच रहा था तो मुझे 50 पैसे पर ब्रिक का PGBP इनकम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने 100,000 ब्रिक्स यूज करी तो मुझे ₹50,000 का बिजनेस इनकम हो गई, ये सेक्शन 28 क्लॉज 6A में आ गई बात। लेकिन ये जो 50,000 मेरे ब्रिक्स की इनकम बनी क्योंकि मैंने बिल्डिंग में उसको यूज किया है जो मैंने अपने बिजनेस पर्पजेस से बनाई जिसे मैं कैपिटल एसेट बोलूंगा और कल डेप्रिसिएशन लूंगा, सो दिस 50,000 विल बी ट्रीटेड टू बी माय कॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन 1A एंड बिकॉज ऑफ द कॉमन सेंस। सो एक्सप्लेनेशन 1A बोलता है यू आर अ कैपिटल एसेट रेफर टू इन क्लॉज 6A ऑफ सेक्शन 28 is used for the purpose of business or profession, the actual cost of such asset to the assessee shall be the FMV which has been taken into account for the purposes of said law. So I hope कि आप समझ रहे हैं कि section 28 clause 6A से related ये amendment necessary था और इसलिए ये बहुत easily graspable भी है। ये amendment sir जो section 43 clause 5 speculative transactions को define करता है उसके संदर्भ में लाए हैं sir। एक्चुअली क्या है कि 43 क्लॉज 5 के नीचे एक प्रोविजो में एग्जम्पशन की कंडीशंस दे रखी है सर कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं माने जाएंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन 1 के रूप में भी मेंशन है। क्या होता था सर कि जनरली हम ये मानते हैं कि डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन आर नॉट ट्रीटेड टू बी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, इसी में धीरे धीरे कमोडिटीज ट्रांजेक्शन भी लेकर के आए कि कमोडिटीज ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो नॉट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड आर नॉट स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड उन पर कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लग गया। तो सर एग्रीकल्चर के जो ट्रांजेक्शन है, एग्रीकल्चर के जो कमोडिटी डेरिवेटिव हैं उनके ऊपर कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स CTT लागू नहीं हो रहा, और क्योंकि लागू नहीं होता तो सर वो ट्रांजेक्शन अभी भी स्पेकुलेटिव माने जाने की संभावना है। सो टू गिव अ clarity, the government has come up with this amendment saying that provided further that for the purpose of clause E of the first proviso in respect of trading in agriculture commodity derivatives, the requirement of chargeability of commodity transaction tax under chapter 7 of Finance Act 2013 shall not apply. Yani agriculture commodities ke derivatives par yadi CTT nahi bhi laga to bhi wo transaction non-speculative hai, aapki income speculative income नहीं मानी जाएगी। ये जो सेक्शन सर 43AA आप देख रहे हैं सर, इसे नया इंसर्ट किया गया है फाइनेंस एक्ट 2018 से, और ये कहना चाहता है सर कि एक्चुअली ICDS के अलाइनमेंट में कुछ सेक्शंस नए आए हैं और कुछ सेक्शंस में अमेंडमेंट हुआ है। जैसे अभी आपने मेरे साथ में 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 17 देखा है कि हुआ क्या सर, ICDS जब आए तो बहुत से जजमेंट्स ऐसे भी आए जिन्होंने ICDS की वैलिडिटी को चैलेंज किया, और ICDS की उस शेप को वैलिडिटी देने के लिए भारत सरकार को इनकम टैक्स लॉ में जगह जगह अमेंडमेंट करके इंसर्शंस देने पड़े। तो उसी प्रकार का ये प्रावधान सर सेक्शन 43AA लेकर के आए जो ये कहता है
subject to provisions of section 43A. What is meaning of this thing? कि जब हम कोई एसेट खरीदते हैं जिस पर हम डेप्रिशिएशन लेते हैं उसके फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के लिए पहले से सेक्शन 43A का प्रावधान है, तो 43AA अपने बड़े भाई 43A की इज्जत कर रहा है. लेकिन रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन पर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को रिकॉर्ड करने के लिए ICDS आने के बावजूद इनकम टैक्स में स्पष्ट प्रावधान नहीं था. तो अब सर 43AA बता रहा है कि ICDS 6 के अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट होगा आप उसको फॉलो करेंगे रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन पर. आई रीड इट अगेन. सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43A, एनी गेन और लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ एनी चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट शेल बी ट्रीटेड एज इनकम और लॉस एज द केस मे बी एंड सच गेन और लॉस शेल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद ICDS notified under subsection 2 of 145. और ये ICDS क्या है? ICDS 6 relating to effects of changes in foreign exchange rate, जो monetary item, non-monetary item के basis पर generally distinguishment करता है. तो ICDS 6 को validity देने के लिए 43AA नाम का section नया लेकर के आए. 43CA section सर हम सभी को आता है. I mean to say what? जैसे कैपिटल गेन में सर एक सेक्शन 50C आप सबको ध्यान है कि यदि कोई कैपिटल एसेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर बिकती है तो हम कैपिटल गेन पर्पजेस से मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर तो टैक्स करते हैं. तो इसी प्रकार का प्रावधान PGBP में सेक्शन 43CA के थ्रू पहले से कर दिया गया. चेंज क्या आया सर 43CA में कि सरकार ने एक रिलैक्सेशन दिया है. ऐसा 50C में भी किया, यहां पर भी किया. क्या रिलैक्सेशन दिया कि मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में बेच दी एज अ बिजनेसमैन और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,05,00,000 रुपए है. तो सर सेक्शन 43CA कहता है कि भाटिया जी आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेची तो जो डिफरेंस है उसे हम PGBP इनकम मान लेंगे. ठीक है. अब कुछ 19-20 चलता है ऐसा हम लोग जनरल पार्लेंस में बात करते हैं तो सरकार ने उस बात को माना कि यदि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन के 5% से ज्यादा नहीं वेराई कर रही तो आपके एक्चुअल कंसिडरेशन को हम ले लेंगे. यानी मैंने 1 करोड़ में चीज बेची, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 1,05,00,000, 5% के अंदर ही आ रही है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो मेरा 5,00,000 का एडिशन नहीं होगा. सो दिस इज अ रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड टू द असेसी. फर्दर सर सबसेक्शन 4 में ये भी एक रिक्वायरमेंट थी 43CA में कि अगर आपने मान लीजिए डेट ऑफ एग्रीमेंट पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग थी और डेट ऑफ रजिस्ट्री पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग है. जैसे मैंने 3 साल पहले एक फ्लैट बुक कराया, उस समय मैंने 35,00,000 में ट्रांजेक्शन वैल्यू बुक करी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन 31 थी तो मुझे कोई डर नहीं था कि मेरे कोई एडिशन होगा. और ऐसे ही सेलर को भी कोई दिक्कत नहीं था कि सेलर भी उस दिन जो पर्टिकुलर वैल्यू बुक कर रहा है 31,00,000 का फ्लैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का 35 में बुक कर रहा है उसको सेक्शन 43CA का टेरर नहीं था. लेकिन 3 साल बाद जब उसने डिलीवरी दी उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 38,00,000 हो गई तो सर अब 3,00,000 रुपए का एडिशन इन्वाइटेबल हो गया. तो 43CA ने बोला साहब कि अच्छा यदि डेट ऑफ फिक्सिंग एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द रजिस्ट्री आर डिफरेंट तो हम सर डेट ऑफ फिक्सिंग एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे, यानी मेरे उदाहरण में 30,00,000 रुपीज, प्रोवाइडेड दैट के उस समय कोई ना कोई पेमेंट अदर देन कैश किया गया. अब अदर देन कैश के सर कई मायने निकलते हैं. मान लीजिए माल के थ्रू ट्रांजेक्शन कर लिया हो, कोई लोन के थ्रू ट्रांजेक्शन किया हो. अब सरकार ने इसे अलाइन करके ये कह दिया कि आपकी डेट ऑफ फिक्सिंग एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे प्रोवाइडेड उस समय आपने कोई भी पेमेंट, ठीक है, बाय वे ऑफ अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम किया हो. यदि ऐसा है सर तब तो आपको कम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो डेट ऑफ फिक्सिंग ऑफ एग्रीमेंट थी उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो सर फिर आपको आज की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से टैक्सेशन देना पड़ेगा. तो ये सर 43CA में आए 2 अमेंडमेंट है जो आपको एज अ स्टूडेंट ध्यान रखने चाहिए. अगला अमेंडमेंट सर 43CB का इंसर्शन है और मैंने जैसा कि पहले कहा आपको कि ICDS को लीगलिटी देने के लिए सरकार ने जगह जगह इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया है तो ICDS 3 जो कि रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको वैलिडिटी देने के लिए 43CB लेकर के आया. और ये कह रहे हैं सर कि यदि कोई पर्टिकुलर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो आपकी इनकम कैलकुलेशन सर हम परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से करेंगे. तो सर ये उस बात को वैलिडिटी देता हुआ सेक्शन है, मैं इसे पढ़ता हूं आपके रेफरेंस के लिए. 43CB सबसेक्शन 1, प्रॉफिट्स एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड इन अकॉर्डेंस विद ICDS नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 145. तो सर ICDS को लीगेलिटी यहां पर दे दी गई. एक बात मैं हाईलाइट करूंगा सर, यदि कोई पर्टिकुलर
कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 90 डेज तक ही है तो सर वहां आपको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरमीडिएट नंबर ऑफ एक्ट्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व है तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड से भी अपनी इनकम की गणना कर सकते हैं। और डिटेल्स के लिए आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप ओरिजिनल ICDS ICDS-3 का भी जरूर अध्ययन करिए। ये जो अमेंडमेंट है सर सेक्शन 44A, आप सबको पता है सर कि जो ट्रक ऑपरेटर होते हैं या गुड्स कैरिज ऑपरेटर होते हैं उनको एक एडहॉक टैक्सेशन का बेनिफिट प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का देने के लिए सेक्शन 44A बनाया गया। इसमें समय समय पर चेंजेस भी होते रहे सर, और लेटेस्ट चेंज जो लेकर के आए वो क्या है सर कि ये सेक्शन अभी तक हैवी गुड्स व्हीकल में और नॉन हैवी गुड्स व्हीकल में फर्क नहीं कर रहा था। यानी मान लीजिए मैं एक टेम्पो ऑपरेटर हूं और आप एक ट्रक ऑपरेटर हैं, तो आपकी भी इनकम वही 7,500 रुपए पर मंथ निकल रही है, मेरी भी इनकम 7,500 रुपए पर मंथ आ रही है, जबकि जो टेम्पो ऑपरेटर है उसकी इनकम कम होनी चाहिए या ट्रक ऑपरेटर की इनकम ज्यादा होनी चाहिए। तो सर इस बात को अब इन्होंने करेक्ट किया और इन्होंने ये बोला सर, मैं इसे पढ़ता हूं सबसेक्शन 2 में, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ ईच गुड्स कैरिज बींग अ हैवी गुड्स व्हीकल शेल बी द अमाउंट इक्वल टू 1,000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट एज द केस में बी फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच हैवी गुड्स व्हीकल इज ओन्ड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर और एन अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्न फ्रॉम सच व्हीकल विच एवर इज। तो मान लीजिए मेरे पास 32 टन कैपेसिटी का एक ट्रोला है सर, तो मेरी जो कैलकुलेशन है सर 32 टन मल्टीप्लाइड बाय 1,000, ठीक है, तो मेरी जो पर्टिकुलर कैपेसिटी है 32,000 रुपए पर मंथ कैलकुलेशन हो गई। पहले कितने में छूट जाता था 7,500, अब कितनी कैलकुलेशन चलेगी 32,000। सो दिस इज द चेंज। हालांकि नॉन हैवी गुड्स व्हीकल के ऊपर सर वही प्रावधान जो हमारा चलता था पहले इस तरह से 7,500 रुपए पर मंथ ओन्ड बाय द असेसी की कैलकुलेशन की जाएगी, और चाहे हैवी गुड्स व्हीकल हो चाहे नॉन हैवी गुड्स व्हीकल हो संख्या अभी भी सर 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछली स्लाइड के रेफरेंस में सर सेक्शन 44 ए में एक्सप्लेनेशन में इन्होंने टर्म डिफाइन कर दी, द एक्सप्रेशन गुड्स कैरिज ग्रॉस व्हीकल वेट एंड अनलेडन वेट शैल हैव द रिस्पेक्टिव मीनिंग असाइन टू देम इन सेक्शन 2 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, एंड द एक्सप्रेशन हैवी गुड्स व्हीकल मीन्स द गुड्स कैरिज द ग्रॉस वेट ऑफ विच एक्सीड्स 12,000 किलोग्राम। तो 12 टन तक तो सर हैवी गुड्स नहीं है, नॉन हैवी गुड्स है, और 12 टन से ऊपर कैपेसिटी की जो भी गाड़ी है सर वो हैवी गुड्स व्हीकल बन जाएगी, और अकॉर्डिंगली जो रिवाइज कंप्यूटेशन 1,000 रुपए पर टन पर मंथ मैंने आपको बोली वो आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ सर अमेंडमेंट की क्लास का मैं पहला पोर्शन यहां पर कंप्लीट कर रहा हूं, और मैं आगे भी आपके साथ में अमेंडमेंट से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है फिनेंस एक्ट 2018 से रिलेटेड आपके सामने डिस्कशन के लिए लेकर के आऊंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट वीडियोस आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टू यू एंड गोइंग टू बी यूजफुल टू यू, एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट अ सिंसियर फीडबैक फ्रॉम योर साइड दैट वेदर दीज वीडियोज आर गोइंग टू बी यूजफुल टू यू और नॉट। थैंक यू।